हेलो एंड सब कहते आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम कहने जा रहे हैं सिक्स मैन टैग टीम मैच, और एक तरफ तो है दी हार्डी बॉयज की टीम, वो भी जॉन मॉक्सली के साथ, और दूसरी तरफ है हमारे जायंट्स की टीम, जिसको ऑफ कोर्स लीड करेंगे हमारे यू मागा सर। तो देखते हैं कि क्या जायंट्स बाजी मारेंगे या फिर हार्डी बॉयज की ये शानदार टीम बाजी मार जाएगी। और मैच चालू करके देखते हैं कि कौन जीतेगा इस मैच को। लेट्स गो। तो ये मैच इधर चालू होता हुआ जेफ हार्डी और यू मागा करेंगे चालू। ऑफ कोर्स एक तरफ है हार्डी बॉयज, दूसरी तरफ है हमारे जायंट्स की टीम, और ऑफ कोर्स जायंट्स की टीम बदलती रहती है क्योंकि बहुत सारे जायंट्स हैं गेम में। और मेरे ख्याल से एक बार जब जायंट्स की टीम उतरी थी तो ऑफ कोर्स शानदार तरीके से गर्दा उड़ाऊ परफॉर्मेंस के साथ जीती थी। तो क्या इस बार भी जायंट्स की टीम जीत जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन जायंट्स के सामने आज बहुत बेहतरीन प्लेयर्स लगे हुए हैं। नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है ये, कोई भी सामान का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नीचे काउंट 10 है क्योंकि फिर ये लोग जल्दी ऊपर नहीं आते हैं, इसलिए तो नीचे काउंट खुला हुआ है। लेकिन बाकी ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, कोई भी सामान का यूज़ कर सकते हैं। नॉकआउट से बच के रहना। बिग शो अपना बूट पे अभी मैट हार्डी को मारेंगे। ऑफ कोर्स जेफ और मैट की टीम आज टीम अप करी है जॉन मॉक्सली के साथ, और जायंट्स में घुमा घुमा के जो मार रहे थे वो है बिग शो, हमारे बिग ब्रॉन्सन रीड, और ऑफ कोर्स यू मागा सर, जो आप सभी लोग जानते हैं कि कौन है। यू मागा सर अपनी पे आ गए, तो ये मैच कभी भी मैट जेफ और जॉन मॉक्सली नहीं जीत पाएंगे। खैर मैच अभी ही चालू हुआ है, देखते हैं सबसे पहला एलिमिनेशन किसका होगा। फिनिशर सिग्नेचर अभी तो इनके पास है नहीं, लेकिन जल्द ही आ जाएगा। अभी के लिए मैट हार्डी ने टैग दिया जेफ को, जेफ अंदर आएंगे। जेफ हार्डी मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन रिवर्सल हो गया, रिवर्सल के बाद किक लगा दिए। जेफ हार्डी बहुत अच्छा खेलते हैं अभी, अगर आपने पिछला मैच देखा होगा डैमियन के साथ, भले ही जेफ हार्डी हार गए लेकिन डैमियन को ऑफ कोर्स दिखाया कि वो कितना अच्छा लड़ सकते हैं। डैमियन प्रीस्ट को हरा पाना आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी ये आखिरी सांस तक टिके ही रहे, और अच्छे तरीके से टिके रहे, तो देखते हैं अब क्या होगा। खैर अभी के लिए यू मागा सर अपना पूरे फॉर्म में है, कुछ करने दे नहीं रहे ज़्यादा जेफ हार्डी को। अभी के लिए फेस फर्स्ट के बाद मेरे ख्याल से अब एक ओके पावर बॉम्ब के बाद पिनफॉल भी करना चाहिए। रेफरी बिल्कुल रेडी है पिनफॉल करने के लिए, लेकिन अभी के लिए एक स्ट्राइक और आएगा। हेड स्ट्राइक करते हुए जेफ हार्डी की हालत ख़राब कर दी यू मागा सर ने। ठीक है, यू मागा सर थोड़े पिट चुके हैं मेरे ख्याल से, और मैट हार्डी भी थोड़े पिट चुके हैं, लेकिन इतनी पिटाई से कुछ होना नहीं है। अगर कोई ज़्यादा पिट गया तो इंस्टेंट नॉकआउट हो सकता है। खैर एक और रिवर्सल टैग देने नहीं दिया, कोई बात नहीं, अभी के लिए टैग नहीं देने दिया है। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। एक किक आएगी, चलो ठीक है, एक किक के बाद जेफ हार्डी अपने आप को पूरा रिकवर करते हुए, रिकवरी के बाद अभी के लिए रोप्स पे सेटल करा, लेकिन यू मागा ने वो सेटलमेंट तोड़ के जेफ हार्डी को नीचे ही फेंक दिया। कोई बात नहीं, मैट हार्डी को स्टंट किया, एक मुक्का मारा जॉन मॉक्सली को, यानी कि हमारे डीन एम्ब्रोस को। ऑफकोर्स अभी के लिए अभी टेक डाउन भी देंगे जेफ हार्डी को। यू मागा सर अकेले ही जेफ हार्डी बॉयज की टीम को ऐसा कह लो धूल चटाते हुए। खैर यू मागा अगर एलिमिनेट जल्दी नहीं हुए तो कहीं ऐसा ना हो कि जायंट्स की टीम जीत जाए। कॉर्नर पे एक स्प्लैश खतरनाक, और ये समोअन बुलडोजर जब भी आता है सब पे चढ़ जाता है। बिग शो टैग देने देंगे नहीं, रिवर्सल आता हुआ हार्डी अभी के लिए हरिकेन राना मारेंगे। हरिकेन राना के बाद मैट हार्डी या जॉन मॉक्सली। ठीक है, जॉन मॉक्सली को टैग आ गया है, तो आ गए हमारे खतरनाक, बिल्कुल एक तरीके से कह लो डोमिनेट करके खेलने वाले जॉन मॉक्सली। बिग बूट से बचे, बिग बूट से बचने के बाद अभी बिग शो कुछ करने का दे रहे हैं। जायंट हैं ऑफकोर्स, अपनी जायंट गिरी तो दिखाएंगे। बिग ब्रॉन्सन रीड अंदर आते हुए, कभी भी सुनामी देखने को मिल सकती है। खैर इनको फिनिशर सिग्नेचर लाना पड़ेगा डीडीटी आती हुई। डीडीटी के बाद पिनफॉल तो नहीं होना चाहिए। 1-2 और अभी के लिए बचा लिए यू मागा सर, कोई जल्दी नहीं है बचाने की, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी तो पिनफॉल होने से रहा, क्योंकि फिनिशर सिग्नेचर लाना पड़ेगा इनको। अभी के लिए हैमर निकाल के लिए ब्रॉन्सन रीड, और एक डीडीटी आने वाली है एप्रेन पे। यू मागा सर को स्टंट कर दिया। जॉन मॉक्सली अंदर आए हैं और तहलका ना मचा, ऐसा हो सकता है क्या? खैर अभी के लिए जॉन मॉक्सली, मैं कह रहा हूँ और जल्दी कुछ करना पड़ेगा। योरोनागी डिलीवर कर दिया है बिग ब्रॉन्सन रीड ने। ब्रॉन्सन रीड भी बहुत बढ़िया खेलते हैं, आपको पता होगा कि रॉ में अच्छा प्रदर्शन करते ही रहते हैं ये, जब जब आते हैं अच्छा ही प्रदर्शन करते हैं। फिलहाल के लिए
क्या सुनामी देखने को मिलेगी। एक क्लोज लाइन आती हुई जॉन मॉक्सली की तरफ से। जॉन मॉक्सली एल्बो स्ट्राइक भी लगाएंगे। एल्बो स्ट्राइक के बाद हैमर का भी यूज़ करना चाहिए वैसे तो, लेकिन हैमर का यूज़ नहीं कर रहे हैं जो कि अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ठीक है। हैमर उठा लिया, जॉन मॉक्सली ने हैमर का यूज़ किया लेकिन लगा नहीं, और एक स्प्लैश आता हुआ। ब्रॉन्सन रीड क्या कर सकते हैं, अभी ये छोटा सा नमूना दिखाया उन्होंने, लेकिन एक सुप्लेक्स आ गया है। फिर से हैमर उठा लिया है डीन एम्ब्रोस हमारे जॉन मॉक्सली ने, और अब स्टाइल मारेंगे। ठीक है, टैग मांग रहे थे उनकी टीम वाले, लेकिन टैग जॉन मॉक्सली ने देने नहीं दिए। क्लोज लाइन आएगी, ब्रॉन्सन रीड अब टैग दे सकते हैं जाके बिग शो को। नहीं, यू मांगा सर वापस से अंदर आएंगे तो अच्छे से टैग दे दे के खेल रहे हैं जो कि अच्छी बात है। एक नी स्ट्राइक रिवर्स, नी स्ट्राइक रिवर्सल के बाद अब लगता है ओके अभी के लिए एक चाटा, एक और बार मारने की कोशिश, लेकिन रिवर्स, रिवर्सल के बाद एक और पंच, पंच के बाद एक और पंच, और मेरे ख्याल से एक एल्बो स्ट्राइक के बाद टैग दे दिया। सिग्नेचर आ गया था जॉन मॉक्सली का। वैसे वैसे जेफ हार्डी के पास भी सिग्नेचर है, बस मैट हार्डी को भी अपना सिग्नेचर लाना पड़ेगा। युमागा का भी सिग्नेचर कभी भी आ सकता है, देखना है कि सिग्नेचर कब तक आता है। अभी के लिए हेड बट के साथ उठा के पटकेंगे, और मैट हार्डी को जल्दी से कम बैक करना पड़ेगा। मैट हार्डी को ज़्यादा पिट रहे हैं, कहीं हार का कारण ना बन जाए ये। और अभी के लिए एक और एल्बो के बाद एक आती हुई नी स्ट्राइक नहीं सॉरी लेग ड्रॉप आता हुआ। लेग ड्रॉप के बाद एक और रिवर्सल, रिवर्सल के बाद टैग देने के लिए जा सकते हैं यू मागा। ओके, टैग दे दो। हाँ बिल्कुल, अब टैग टीम मूव देखने को मिलने वाला है कुछ, और ओके क्या करने वाले हैं ये लोग, और खतरनाक एक टैग टीम मूव आएगा। पावर स्लैम दे दिया है मैट हार्डी रोल आउट करते हुए। मैट हार्डी को ज़्यादा ही पिट गए पता है, मैट हार्डी जल्दी से ऊपर आना ही पड़ेगा। यू मागा कहीं मारने ना लग जाए। अभी जॉन मॉक्सली पिटेंगे, स्टंड हो जाएंगे। मैट हार्डी ऊपर आ गए, ब्रॉन्सन रीड को भी ऊपर आना चाहिए। और अभी के लिए एक पंच आएगा, पंच के बाद ड्रॉप किक आएगा, ड्रॉप किक के बाद बिग शो को बीमार पड़ सकती है। बिग शो ने रिवर्सल कर दिया है, पीछे देखो ब्रॉन्सन रीड आ गए, क्लोज लाइन लगाएंगे। ब्रॉन्सन रीड अब सुनामी देने के लिए जा रहे हैं क्या, नहीं ब्रॉन्सन रीड स्टाइल मार रहे हैं, सुनामी भी वैसे दे सकते हैं, अभी के लिए स्टाइल मार रहे हैं क्योंकि जेफ हार्डी टैग मांग रहे हैं। मैट हार्डी से टैग देने के लिए इतनी दूर जा नहीं पाएंगे, ऑफकोर्स बहुत पिट चुके हैं, और ब्रॉन्सन रीड के पास भी उनका सिग्नेचर आने वाला है। और सिग्नेचर आ गया है, बस आने ही क्या वाला है, आ चुका है सिग्नेचर। और ब्रॉन्सन रीड फिलहाल के लिए स्प्लैश लगाएंगे, रिवर्सल हो गया है कभी भी। अब जेफ हार्डी को टैग आ सकती है क्योंकि बहुत देर से मांग रहे हैं। अभी के लिए एक और रिवर्सल, ठीक है रिवर्सल के बाद एक और रिवर्सल आ सकता है वैसे तो, लेकिन इनकी मर्जी, रिवर्सल करके टैग देना चाहेंगे या फिर रिवर्सल करने के बाद फिनिशर या सिग्नेचर कनेक्ट करना चाहेंगे। रिवर्सल, एक और रिवर्सल, ठीक है रिवर्सल ज़्यादा हो रहा है, स्टंड हो जाएंगे मैट हार्डी अगर ऐसा ही चलता रहा तो। स्टंड नहीं होने चाहिए, खैर अभी के लिए फिर से रिवर्सल, ब्रॉन्सन रीड कुछ करने नहीं दे रहे हैं। सुनामी आ चुकी है, सुनामी कभी भी लगाई जा सकती है, उठा के एक स्प्लैश सुनामी दे सकते हैं अब, बिल्कुल टैग भी दे सकते हैं वैसे उनकी मर्जी, लेकिन सुनामी देंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी के लिए टैग देने के लिए जा रहे हैं, ओके टैग देने के लिए किसको देंगे टैग, बिग शो, नहीं यू मागा के साथ अब टैग टीम मूव देखने को मिलने वाला है। तो जायंट्स की टीम तो अच्छे से टैग टीम मूव दिखा रही है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि अभी ये हार्डी बॉयज की टीम थोड़ा सा कमज़ोर दिखती भी। अरे ब्रॉन्सन रीड को हैमर से क्यों मारा यू मागा सर, इतने में ही कांड हो गया। जॉन मॉक्सली टैग लेके अंदर आ गए, जॉन मॉक्सली को एक स्पाइक, रिवर्सल हुआ नहीं है, गर्दा उड़ाओ स्पाइक, जॉन मॉक्सली का इंस्टेंट टाटा, और यू मागा का भी टाटा हो सकता है क्या, नहीं ट्विस्ट ऑफ फेट के बाद टाटा तो नहीं होगा। जॉन मॉक्सली का गर्दा उड़ गया है, मैं इधर ये देख रहा हूँ, जॉन मॉक्सली का पता नहीं कैसे गर्दा उड़ गया, इतना ज़्यादा कांड हुआ। यू मागा ने गलती से ब्रॉन्सन रीड को हैमर ही मार दिया, और एक ट्विस्ट ऑफ फेट देखने को मिल सकता है क्या, मुझे नहीं लगता। अभी के लिए कुछ और करने जा रहे हैं जेफ हार्डी, इतना कांड के बाद क्या युमागा को बाहर कर पाएंगे, लगता तो है। एक स्वाइन टाइम बॉम्ब खतरनाक, स्वाइन टाइम बॉम्ब ऐसे देंगे मैंने सोचा नहीं था, पिनफॉल करना चाहिए फटाक से। वैसे तो कोई बचाने के लिए आ जाएगा मुझे लग रहा है, वन टू बिग शो बचाने के लिए आ गए, नॉकआउट अभी तक आया नहीं है, नॉकआउट कभी भी आ सकता है, बच के रहना। हार्डी बॉयज की टीम आधी हो गई है, लेकिन अभी के लिए एक और ट्विस्ट ऑफ फेट आएगा तो मेरे ख्याल से युमागा सर को बाहर निकाला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गलती तो मैं यही कहूँगा युमागा सर की है, वो हैमर दिया, टैग पड़ी, उसके बाद जॉन मॉक्सली को भले ही बाहर कर दिया हो लेकिन युमागा डिस्ट्रैक्ट तो हो गए थे। और एक ओके एक स्ट्राइक आएगी, लेग स्ट्राइक, जॉन मॉक्सली का इतनी जल्दी बाहर हो जाना अच्छी बात तो नहीं है। जॉन मॉक्सली ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए इस मैच में, लेकिन ठीक है अब हार्डी बॉयज की टीम
ऑफ कोर्स हैंडीकैप मैच लड़ती हुई जायंट्स एक बार और बाजी ना मार लें, इतना ज़्यादा अभी खांड होने के बाद क्या यू माजा सर की टीम जीत सकती है। जेफ हार्डी स्टाइल मारने का समय मेरे भाई नहीं है, अभी के लिए फिर से बाहर फेंक दिए गए। मैट हार्डी ने रिवर्सल किया, रिवर्सल के बाद एक ट्विस्ट ऑफ फेट की सख्त ज़रूरत है। स्वाइनटाइन बॉम्ब तो अच्छे से लगाया, ये मैं नहीं कह रहा कि स्वाइनटाइन बॉम्ब में कोई भी कमी थी, लेकिन और अच्छा खेलना पड़ेगा। ब्रॉन्सन रीड को मारा, ब्रॉन्सन रीड को मारने के बाद अब यूमागा ने पकड़ लिया और फेस फर्स्ट करेंगे, और इसके बाद जेफ हार्डी तुरंत खड़े तो हो रहे, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि यूमागा खड़ने नहीं देंगे। यूमागा जब खेलने पे आते हैं तो ऑफकोर्स सामने देखते नहीं कि कौन है। अभी के लिए कौन फेस फर्स्ट, ठीक है फेस फर्स्ट पे फेस फर्स्ट आता जा रहा है। रिंग के अंदर जाओ, जैसा कि मैंने कहा था काउंट चलेगा। ब्रॉन्सन रीड आ गए मारने के लिए, डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं ब्रॉन्सन रीड और कुछ नहीं, यूमागा के लिए टाइम किल कर रहे हैं, और टाइम किल अच्छे से कर दिया। जेफ हार्डी लेकिन समझदार रिंग के अंदर आ गए हैं, यूमागा भी समझदार हैं कि आएंगे ऊपर, ऊपर आ गए लेकिन हैमर से पड़ने वाला है, हैमर से पड़ेगा। चलो ठीक है, अब मेरे ख्याल से पिनफॉल हो सकता है। बिक्शो बचाने के लिए आ रहे हैं, बिक्शो अभी ज़्यादा ना टैग लेके आए नहीं है, बचाने के लिए आए लेकिन उससे पहले किक आउट कर दिया था। ठीक है स्टाइल मारा, ब्रॉन्सन रीड अंदर आ गए हैं, ट्विस्ट ऑफ फेट की दरकार है, हाई फ्लाइंग मूव आएगा। चलो ठीक है, हाई फ्लाइंग मूव के बाद एक ट्विस्ट ऑफ फेट बनता है, वरना टैग दे दो मैट को, मैट को टैग, मैट को टैग, रेफरी हट ना सामने से। मैट हार्डी को टैग देते उससे पहले कांड हो गया, और अब रिवर्सल नहीं एक स्प्लैश रिवर्सल हो गया। चलो स्प्लैश का रिवर्सल हो गया, ब्रॉन्सन रीड को बाहर करा जा सकता है। वैसे एक ट्विस्ट ऑफ फेट दे दे तो एक खतरनाक डीडीटी, उड़ती हुई डीडीटी तो आई, लेकिन इससे कुछ फायदा होगा क्या? एक हैमर शॉट, रिवर्सल, रिवर्सल पे रिवर्सल, जेफ हार्डी को एक ट्विस्ट ऑफ फेट लगाना ही पड़ेगा। रिवर्सल करो, रिवर्सल नहीं करा, अब हो सकता है रिवर्सल, अभी भी रिवर्सल कर दिया। चलो फाइनली रिवर्सल कर दिया है, रिवर्सल के बाद एक ट्विस्ट ऑफ फेट देने की सख्त दरकार है। इतनी दूर घसीट के ले जाने का कोई फायदा है नहीं, जैसा कि मैं कह ही रहा था। ब्रॉन्सन रीड ने रिवर्सल कर दिया, ब्रॉन्सन रीड को बाहर करा जा सकता है। ट्विस्ट ऑफ फेट का नेक्स्ट मूव थीफ का यूज कर दिया है, वन टू, मैट बचाने के लिए भी नहीं आ रहे, मैट कम से कम बचाने तो आ मेरे भाई। ठीक है, एक सुनामी आने वाली है, तो जायंट्स की टीम बहुत शानदार खेल रही है। सुनामी रिवर्स, सुनामी रिवर्स करके ड्रॉप किक, पीछे से डिस्ट्रैक्शन आ रहा था, डिस्ट्रैक्शन का अभी कोई फायदा हुआ नहीं। बिक्शो पीटे जाएंगे, ऑफकोर्स बिक्शो, बिक्शो को अभी के लिए एक ट्विस्ट ऑफ फेट पड़ने वाला है। चलो ठीक है, छोटा सा ट्विस्ट ऑफ फेट दिखाया, और अभी के लिए रिवर्सल करना चाहिए, रिवर्सल नहीं किया। रिवर्सल के बाद एक ट्विस्ट ऑफ फेट देखने को मिल सकता है क्या, लेकिन नहीं, रिवर्सल, रिवर्सल के बाद ब्रॉन्सन रीड को एक और रिवर्सल कर दिया। चलो जेफ हार्डी ने टैग देने जा रहे हैं मैट को, जल्दी से दे दो वरना ब्रॉन्सन रीड डिस्ट्रैक्शन करेंगे, मैट हार्डी अंदर आएंगे। मैट हार्डी एक ट्विस्ट ऑफ फेट, ट्विस्ट ऑफ फेट नहीं, कुछ और लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी के लिए कुछ नहीं लगाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब लगाओ फिनिशर सिग्नेचर, कनेक्ट करना पड़ेगा मैट जल्दी से। ट्विस्ट ऑफ फेट तो मेरे ख्याल से मैट हार्डी भी लगा लेते हैं, तो लगा देना चाहिए। टैग नहीं, टैग नहीं, टैग नहीं, जायंट्स का अब एक और कोई प्लेयर आएगा क्या? नहीं, अभी के लिए टैग नहीं दे पाए, जो कि अच्छी बात है। मैं तो देखना चाहता हूँ ट्विस्ट ऑफ फेट और स्वाइन टाइन बॉम्ब का मेरे ख्याल से अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन मूव, लेकिन क्या लगाएंगे मुझे नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि जायंट्स का कोई भी प्लेयर बाहर कर पाएंगे हार्डी बॉयज अब, क्योंकि टीम आधी हो जाने के बाद मैच मुश्किल रहता है। अभी के लिए टैग आएगा, टैग टीम मूव एक और बार देखने को मिलेगा जायंट्स की तरफ से, और ऊपर से अब और डैमेज होने वाले मैट हार्डी, स्टैंड हो सकते हैं मैट हार्डी वैसे तो। अभी के लिए यूमागो को बाहर करना है, ट्विस्ट ऑफ फेट की सख्त दरकार है, रिवर्सल कर दिया है। ट्विस्ट ऑफ फेट इनकमिंग, नहीं अभी नहीं, नहीं नहीं, अभी के लिए ट्विस्ट ऑफ फेट तो नहीं लगा रहे। ट्विस्ट ऑफ फेट लगाना पड़ेगा अगर जीतना चाहते हैं तो, लेकिन अभी के लिए पिनफॉल तो होने से रहा। देखो वन वन में किक आउट कर देंगे यूमागो सर, मैंने जैसे कि कहा था पिनफॉल तो होने से रहा। ब्रॉन्सन रीड को पिटाई ज़रूर होगी, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, और पिटाई बचा ली यूमागो ने। चलो ठीक है, टैग टैग देंगे वापस से। बिक्शो आएंगे क्या? ऑफ कोर्स बिक्शो आएंगे, नॉक आउट कभी भी आने वाला है, अब देखना ये है कि कब आएगा। खैर अभी के लिए स्टंड हो गए हैं मैट हार्डी, इससे बुरा और क्या हो सकता है, इससे बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता है। और अभी के लिए बिक्शो ना खिलवाड़ कर रहे हैं मैट हार्डी के साथ। ओके खतरनाक, एक और मूव, टैग मांग रहे हैं जेफ हार्डी, जेफ हार्डी को टैग मिल गया। ट्विस्ट ऑफ फेट आना चाहिए, ट्विस्ट ऑफ फेट, बिक्शो का टाटा नहीं होगा ऑफकोर्स, अभी तो अंदर आए। ट्विस्ट ऑफ फेट पड़ गया है, कोई बचा सकता है आके? वन टू किक आउट करेंगे बिक्शो, बिक्शो अभी के लिए कुछ ज़्यादा करेंगे मुझे लगता तो है। एक और स्वाइनटाइन बॉम्ब, शायद बिक्शो एलिमिनेट हो जाए क्योंकि लगातार दो फिनिशर पड़ने वाला है। ओके जेफ हार्डी अपना खतरनाक अंदाज से ट्विस्ट ऑफ फेट लगाएंगे, तो हार्डी बॉयज ने मेहनत तो करी, लेकिन जायंट्स का प्लेयर बाहर ही नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? एक हरिकेन राना के बाद पिनफॉल होगा क्या? वन
और फंसा के पिनफॉल भी काम नहीं आया। अच्छा खेल रहे हैं ये लोग, पता है। अभी के लिए एक और ट्विस्ट ऑफ फेट, लेकिन गलत आदमी को दे डाला है जेफ। क्या करते हो मेरे भाई, कोई बात नहीं, जेफ हार्डी ने गलत को मारा। और मैट हार्डी को मारना बिग शो गलत ही बात है, क्योंकि वो भी लीगल थोड़ी है। यू मांगा सर भी लीगल नहीं है, बिग शो को ट्विस्ट ऑफ फेट लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए ठीक है, अच्छे मूव्स लगा रहे हैं जेफ हार्डी। मैं देख रहा हूँ खतरनाक ड्रॉप किक। ड्रॉप किक के बाद बिग शो अगर टैग दे दे तो कुछ हो सकता है। वैसे टैग देंगे क्या, मुझे लगता तो नहीं, लेकिन टैग देना चाहिए। कभी भी जेफ और मैट बाहर हो सकते हैं। जॉन मॉक्सली तो वैसे भी धोखा देके चले ही गए। ये मुकाबला शायद जाइंट्स जीत जाए। रिवर्सल कर दिया ट्विस्ट ऑफ फेट का, और अभी के लिए एक चॉक स्लैम आ सकता है। रिवर्सल हो गया है, चलो ठीक है, रिवर्सल हो गया। टैग दे दो, टैग देना चाहिए, टैग टैग टैग, कम ऑन, टैग दे दो जाके मैट हार्डी को। लेकिन नहीं, कुछ सामान, ओके, हैमर निकाल के ला रहे, हैमर निकाल के लाएंगे, हैमर से बिक्षो की कुटाई होगी। लेकिन नहीं, हैमर दिखाया, हैमर से मारेंगे, और लेकिन मारा एल्बो, ठीक है, नाइस, एल्बो कनेक्ट। वहाँ से रिवर्सल पे रिवर्सल आता हुआ, अरे गलत बात, एक नेक ब्रेकर, नेक ब्रेकर आया, डिस्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रैक्शन वैसे आता जा रहा है। उधर से रिवर्सल भी बिक्षो का लगातार आता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि अब जेफ हार्डी का टाटा होने वाला है। बड़ा ही अच्छा खेले जेफ, लेकिन अब टाटा हो सकता है। एक चौक स्लैम, ठीक है, चौक स्लैम आएगा। मुझे लगा था नॉकआउट लगाएंगे, लेकिन नहीं, जेफ हार्डी भी बाहर। ट्विस्ट ऑफ फेट, ओके, बिग शो स्पीयर। जायंट्स हमेशा की तरह फिर से एक बार तहलका मचाती हुई इस गेम में। 1-2 किक आउट। जब पहली बार इनका मैच हुआ था, ऑफकोर्स मैं, मेरे ख्याल से इनविजिबल गैंग के साथ, मुझे याद नहीं कायदे से, लेकिन तहलका उधर भी मचाया था जायंट्स ने। प्लेयर्स अलग थे तो क्या हुआ, लेकिन जायंट्स तो जायंट्स ही रहेंगे ना। तो जायंट्स एक बार फिर से गर्दा उड़ाती हुई, उनके सामने कोई भी टीम आए, जायंट्स पीछे नहीं हटती है। अभी मैट हार्डी जान लगा रहे हैं मैच में, लेकिन बिक्षो को बाहर कर पाना आसान काम होने वाला है नहीं। बिक्षो के पास नॉकआउट है, कभी भी पड़ेगा और नॉकआउट हो जाएंगे। बचे बचे बचे, मैट हार्डी नॉकआउट से बचे। नॉकआउट से बचने के बाद अभी के लिए एक बार और बचना बहुत ज़रूरी, और एक हेड बर्ड आएगा। मैट हार्डी कुछ ज़्यादा ही पिटते हुए, ओके, बुलडॉग आता हुआ। बुलडॉग के बाद मैट हार्डी, अब क्या करोगे, सोच लो जल्दी से कुछ, वरना बिग शो मैच को ख़त्म कर देंगे। बेसबॉल बैट निकाल दिया, चलो ठीक है, बेसबॉल बैट से हमला करने जा रहे थे, लेकिन हमला हुआ नहीं। उठा के पटाखा है जो अभी के लिए मैट हार्डी को। बिग शो अकेले मैच को ख़त्म करेंगे। कहाँ बिग शो को टैग नहीं मिल रहा था, मैं कह रहा था टैग ही नहीं मिला बिग शो को। अब देखो बिग शो कैसा खेल ले, और हेडबर्ट, हेडबर्ट दे दे के मैट हार्डी की हालत ख़राब कर दी है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जायंट्स ने एक बार फिर से गर्दा उड़ा दिया है। बड़े दिनों के बाद मुझे जायंट्स की याद आई, ऑफकोर्स, तो जायंट्स ने कमाल कर दिया है। ऐसे मैचेस होते रहेंगे, जायंट्स और लड़ेंगे, मैं पहले बता दूं। तो जायंट्स का अगले अपोनेंट फिर से सोचते हैं कि क्या होंगे। फिलहाल के लिए काउंट से कांड हो सकता है, बिल्कुल मैट हार्डी नीचे मत जाना। लेकिन बिक्षो दौड़ दौड़ के ऊपर आ गया, कोई बात नहीं, बिक्षो को पीछे देखो, नॉकआउट पंच है उनके पास, तो बिल्कुल भी दुविधा नहीं होने वाली है बिक्षो को बाहर करने में मैट हार्डी को। लेकिन मैट हार्डी ने नॉकआउट लगा दिया, खतरनाक मैट हार्डी। एक ट्विस्ट ऑफ फेट लगाओ, ब्रॉन्सन रीड को भी बाहर करो, ब्रॉन्सन रीड को भी बाहर करो, एक ट्विस्ट ऑफ फेट काम कर देगा। ट्विस्ट ऑफ फेट नहीं, एक ओके स्ट्राइक आ गया, कोई बात नहीं। किक स्ट्राइक के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैट हार्डी कांड तो कर सकते हैं, इनमें क्षमता है, लेकिन अब देर हो चुकी है कांड करने के लिए। नॉकआउट देखे बिक्षो को बाहर कर दिया है, ये कम बात नहीं होती है। एक हरिकेन राना रिवर्स, ब्रॉन्सन रीड की ताकत, सुनामी लगाने की कोशिश करी थी, वो लग नहीं पाई कायदे से, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार। एक हैमर स्ट्राइक रिवर्स, रिवर्सल के बाद एक और रिवर्सल, ट्विस्ट ऑफ फेट, नहीं 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 अभी नहीं आ रहा ट्विस्ट ऑफ फेट। कॉर्नर पे गए, कॉर्नर पे जाने के बाद क्या करेंगे मैट के, मैट हार्डी कुछ सोच तो रहे थे, लेकिन रिवर्सल हो गया। एक नेक ब्रेकर आएगा, और उस नेक ब्रेकर के बाद हमारे जायंट्स की टीम, बस बिक्षो बाहर हुए नॉकआउट की वजह से, लेकिन जायंट्स की टीम एक बार और गर्दा उड़ा के शानदार तरीके से विक्ट्री पा चुकी है। तो ऑफकोर्स जायंट्स दो बार लगातार जीत चुकी है, और मज़ा आ गया इस मैच में। खैर ये वीडियो अब खत्म होता है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर भी करना। तब तक के लिए मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।